अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 9 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि आप पॉली लाइन कैसे इंसर्ट करते हैं। प्रीवियस लेसन में हमने कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर डिस्कस किया था, आज के इस लेसन में पॉली लाइन के ऊपर डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा देखेंगे पर्पज़ ऑफ पॉली लाइन क्या होते हैं, पर्पज़ ऑफ फॉलोइंग कमांड्स पॉली लाइन में, जो फॉलोइंग कमांड्स हैं जिनमें आर्क आ गया है, हाफ विड्थ आ गया है, लेंथ आ गया है, अंडू और विड, इनके क्या फंक्शन होते हैं, इनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा और उस पर काम करूंगा। ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। इससे पहले हमने कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर डिस्कस किया था, कंस्ट्रक्शन की लाइन क्या होती है, कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो, उसकी कमांड कौन कौन सी हैं। अब पॉली लाइन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि पॉली लाइन क्या होती है, उसका फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, जब हम लाइन इंसर्ट करते हैं तो लाइन, जब हम काफ़ी सारी लाइन इंसर्ट करते रहते हैं तो उसके लाइन के सिर्फ दो पॉइंट होते हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। जहाँ पे आप सेकंड क्लिक करते हैं तो वो सेकंड पॉइंट इसका बन जाता है, फिर यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, और फिर जब थर्ड पॉइंट पे आप क्लिक करते हैं तो सेकेंड और थर्ड के बीच का जो एरिया होता है वो वाला हमारे पास एक हिस्सा बन जाता है। जैसे कि मैं आपको इस पर मैं कंपेयर करके आपको बता दूंगा। तो आज हम पॉली लाइन के ऊपर डिस्कस करते हैं, पॉली लाइन होती क्या है। पॉली लाइन की जो शार्ट कमांड है वो है पी एल एंटर। उसके अलावा आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है पॉली लाइन, और ड्रॉ में आप क्लिक करें तो ड्रॉ में भी आपको पॉली लाइन कमांड आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, तो पॉली लाइन के लिए क्या है, पी एल एंटर करता हूँ मैं, पी एल एंटर, पॉली लाइन आ गया। आप देखें यहाँ पे पी एल एंटर कह रहा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, स्टार्ट पॉइंट इसका बन गया। यहाँ पे क्लिक करूँगा सेकेंड, और ये यहाँ पे जब क्लिक करता रहूँगा तो ये देखिए हमारे पास ये पॉली लाइन कमांड अप्लाई हो गया। स्पेस प्रेस करें और जब इसको सिलेक्ट कर देते हैं पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो रही है, तो ये पॉली लाइन होती है। पॉली लाइन में आपका कोई भी हिस्सा टूटता नहीं है, कंप्लीट एक लाइन होती है, पॉली लाइन इसको कहा जाता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से भी आप देखें तो यहाँ से आप पॉली लाइन कमांड अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप ड्रॉ में जाएं, ड्रॉ में भी जाके आप पॉली लाइन पे क्लिक करें, यहाँ से भी आप पॉली लाइन कमांड अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं पॉली लाइन कमांड आपकी अप्लाई हो गया। अब पॉली लाइन में भी आप डिस्टेंस देना चाहें तो आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं पी एल एंटर करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करके मैं देता हूँ 5 फिट एंटर, 5 फिट के फासले पे आ गया। मैं तो 6 फिट एंटर, 6 फिट के फासले पे आ गया। मैं देता हूँ 10 फिट एंटर, और 10 इंच के फासले पे आ गया। मैं चाहता हूँ 10 फिट एंटर, 10 फिट के फासले पे आ गया। तो आप जहाँ जहाँ इसको मूव करते जाएंगे उतना आप फासले इसको देते जाएं। ये आप 15 फिट एंटर करता हूँ, 15 फिट के फासले पे आके देख सकते हैं। तो ये जी आपकी पॉली लाइन कमांड होती है। अब इसमें और क्या क्या काम हो सकते हैं इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आपको पता होगा फिट और इंच में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि 5 फिट 6 इंच लिखेंगे तो आप पहले 5 फिट करेंगे और उसके बाद 6 इंच। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैं यहाँ पे आपको कीबोर्ड ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे मैं आपको बताता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ जी 5 फिट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 फिट, एंटर के साथ है फिट, 6 इंच, 6। शिफ्ट को प्रेस करें आप, शिफ्ट को मैंने प्रेस कर लिया, और यहाँ पे क्लिक करें तो इंच बन जाएगा। देख सकते हैं, तो ये आपका तरीका है 5 फिट 6 इंच लिखने का। मैं चाहता हूँ 6 फिट 7 इंच, शिफ्ट को प्रेस करें, इंच डाल दें, तो आप यहाँ से फिट और इंच डाल सकते हैं। ओके अच्छा, पॉली लाइन में कौन कौन से तरीकेकार यूज़ होते हैं और कौन कौन से तरीकों से आप कमांड यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं पी एल एंटर करूँगा। पी एल एंटर, फर्स्ट पॉइंट पे जो ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखें कह रहे आर्क। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास इस तरह लाइन आ रही है। अब आर्क के लिए मैं एंटर करूँगा या फिर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब देखें एक आर्क बन गया। देख सकते हैं एक आर्क बन गया, एक आर्क बन गया। अब मेरे पास ये आर्क बन गया। अब इस आर्क का एंगल, अब ये जो आर्क है इस आर्क को दोबारा लाइन में कन्वर्ट करने के लिए आप एल एंटर करें। यहाँ पे देखें लाइन पे क्लिक करने के लिए एल एंटर करें, फिर लाइन बन जाएगी। दोबारा से आर्क बनाना चाहिए आप ए एंटर करें, आर्क बन जाएगी। देख सकते हैं आर्क की डायरेक्शन, आप देखें यहाँ पे टॉप है,
इस तरह इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे डायरेक्शन पे क्लिक करें तो इसकी डायरेक्शन जिस साइड पे आप देना चाहें आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। देखें, देख सकते हैं, लाइन करता हूँ दोबारा, लाइन आ जाएगी। ओके, क्लिक करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और क्लोज से सी एंटर करें तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगी, या फिर आप सी पे क्लिक करें या फिर सी एंटर करेंगे तो क्लोज हो जाएगी। अच्छा, अब इसी तरह मैं फिर दोबारा से आर्क लेता हूँ, सॉरी पॉलीलाइन लेता हूँ, पी एल एंटर क्लिक करता हूँ। अब उसके बाद हाफ विड्थ, हाफ विड्थ पे क्लिक करें, इसी विड्थ आप बढ़ाना चाह रहे हैं बढ़ा सकते हैं, हमारे पास अभी विड्थ चॉइस किया है 0 फुट 0 इंच है, तो मैं इसको विड्थ देता हूँ जी 2 इंच देता हूँ। देखें इसकी विड्थ क्या होगी, बढ़ गई, आप देख सकते हैं। विड्थ दोबारा और बढ़ाना चाह रहे तो हाफ विड्थ पे दोबारा क्लिक करें, इसको मैं देता हूँ जी 8 इंच देता हूँ, एंटर करता हूँ, एंड हाफ विड्थ में यही देता हूँ। देखें जरा, क्लोज करता हूँ, यही विड्थ आ गई। अब जब भी मैं पी एल पॉली लाइन लूंगा, पी एल एंटर करता हूँ, तो इसी विड्थ में मेरे पास ये पॉली लाइन इंसर्ट हो जाएगी। खत्म करना चाह रहे हैं विड्थ तो आप इससे क्या करें, दोबारा हाफ विड्थ के लिए एच एंटर करें, एच एंटर करता हूँ, और हाफ विड्थ क्या थी, 0 फिट 0 इंच थी। देखें दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में आके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें पॉलीलाइन लेता हूँ, पी एल एंटर करता हूँ। नेक्स्ट है इसमें हाफ फिट के बाद लेंथ, लेंथ देना चाहें तो एल एंटर करें आप। अब कह रहे हैं लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ में देता हूँ इसको 5 फिट, एंटर करता हूँ, देखें लेंथ इतनी आ गई है। आप और भी लेंथ इसकी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, देखें ये ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, 5 फिट एंटर, देखें 10 फिट एंटर, यही लेंथ है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था। लेंथ ना आता फिर भी होगा। अनडू का फंक्शन ये कि मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो यहाँ से जॉइंट या यहाँ पे आ गया, यहाँ पे दोबारा रिपीट होता जाए, रिपीट होता जाए, मीन ये यहाँ तक रिपीट होता जाए, तो उसके लिए आप अनडू के लिए अनडू पे क्लिक करें, देखिए यहाँ तक आ गया, अनडू पे क्लिक करें यहाँ पे आ गया, या फिर यू एंटर करें, क्योंकि देखिए फर्स्ट जो वर्ड होता है ना किसी भी कमांड का, फर्स्ट वही कमांड होती है किसी भी चीज़ की, जो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे सामने वही कमांड है इसकी, यू एंटर करता हूँ, देखें फिर यू एंटर करूँगा, देखें रिपीट हो रहा है, फिर यू एंटर करता हूँ, फिर यू एंटर करता हूँ, देख सकते हैं, तो ये कमांड रिपीट हो जाती है। एंड टू से विड्थ का फंक्शन होता है, विड्थ पे क्लिक करें, विड्थ से भी आप विड्थ इसकी बढ़ा सकते हैं, मैं 5 इंच की विड्थ दे रखता हूँ, हाफ विड्थ और विड्थ का वही फंक्शन है, देख सकते हैं, तो इसकी विड्थ क्या होगी, बढ़ गई है। खत्म करना चाहें विड्थ तो उसके लिए दोबारा आप विड्थ पे क्लिक करें, और यहाँ पे आप इसे क्या करें, 0 फिट 0 इंच रखें, तो देखिए इसका नॉर्मल उसी वहीं पे ये उसी पोजीशन में आके दोबारा सी फॉर क्लोज। तो ये था जी पॉली लाइन और पॉली लाइन का फंक्शन था कि पॉली लाइन आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इस पर क्या क्या काम आप कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल से मैंने आपको समझाया पॉली लाइन के बारे में, इससे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल से बताया था, और उसमें और कितनी कमांड यूज होती हैं वो सारे के सारे में टेक्निक्स आपको बताई थी। तो आप इन लेसन की बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप आसानी से इन पे काम कर सकें, और फिर आप जब हम इलेक्ट्रिकल का काम करेंगे, इलेक्ट्रिकल के सिंबल क्रिएट करेंगे, या फिर उसके अलावा इलेक्ट्रिक वायरिंग का हम लेआउट ड्रॉ करेंगे, और पीएलसी वगैरह प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल वगैरह ड्रॉ करेंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी इन सारी चीज़ों को समझने में। तो उसके लिए आपको ये बेसिक कमांड्स कम से कम आनी चाहिए, तो आप बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छी तरह से इस पर काम कर सकें। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।